मैं आप लोगों को 11 क्लास का लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट करके बताऊंगी, जिससे आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। प्रजातंत्र एवं तानाशाही व्यवस्था के बीच अंतरों का वर्णन करो। प्रजातंत्र, प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। इसमें जनता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। तानाशाही तंत्र, तानाशाही तंत्र एक व्यक्ति अथवा दल का शासन होता है। इसमें जनता किसी रूप में शासन में भाग नहीं लेती है। दो नंबर, प्रजातंत्र में सरकार की स्थापना मतदान के आधार पर की जाती है और जनता को सर्वमताधिकार प्राप्त होता है। प्रजातंत्र अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास करता है। प्रजातंत्र में जनता को सरकार की आलोचना करने का अधिकार रहता है। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का होना अति आवश्यक है। प्रजातंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित है। प्रजातंत्र में सभी नागरिक कानून के समक्ष समान माने जाते हैं। तो इससे आप लोगों का जल्दी याद हो जाएगा। थैंक यू।